नमस्कार दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको बताऊँ, उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। 2 साल पहले जब हम एम्स दिल्ली के पास से गुजर रहे थे, तब एक टैक्सी वाले ने हमारी गाड़ी पर रगड़ मार दी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये देखिए यहाँ भी पूरा बम पा रखा है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा काम कराया और अब थोड़ा मतलब काम चलाऊ सा दिख रहा है। एम्स के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वहाँ पर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलती भी टैक्सी वाली की थी और वो गाली भी हमें देकर चला गया। जब हम वहाँ से थोड़ा आगे निकले, तब मैंने पापा से पूछा कि पापा, गलती तो उसी की थी और वो गाली भी हमें दे रहा था, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तो फिर पापा ने बोला कि रोड में गाड़ी चलाते वक्त ऐसे छोटे मोटे डेंट तो पड़ते ही रहते हैं, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। रोड रेज के मामले बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, लोग तो छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तब तो मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने मुंबई का ये वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि रोड रेज के मामले कितने भयानक हो सकते हैं। मैं आपको मुंबई का वीडियो दिखाऊं, उससे पहले एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भारत के ही किसी शहर का ट्रैफिक है, मर्सिडीज़ जा रही है, तभी ये स्कूटर वाले भाई साहब आए, एक जेब में हाथ है, आराम से गए कार को ठोका। ये देखिए, बम्पर का एक हिस्सा निकल गया है। जब कार वाले ने हॉर्न बजाकर रुकने को कहा, तो उसी पर गुस्सा निकालने लगे, यानी पहले कार ठोकी और फिर कार वाले पर ही चिल्ला रहा है ये स्कूटर वाला बंदा। और अब आपको दिखाती हूँ वो असली वाला वीडियो, जो बताएगा कि सड़क पर छोटा मोटा विवाद होने पर गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, अपना ईगो कंट्रोल में क्यों रखना चाहिए। ये देखिए, ये रहा वो वाला वीडियो। इसमें अशोक माइन नाम के एक शख्स ज़मीन पर गिरे हैं। अशोक के ऊपर उनकी माँ है, जो उन्हें पिटाई से बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गई। ये अशोक के पिता हैं, इन्हें भी पीटा जा रहा है। पास में ही अशोक की वाइफ भी है, जो प्रेग्नेंट थी और पिटाई में उनका मिसकैरेज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ये लोग अशोक माइन को इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहे हैं। तो हुआ ये कि हैदराबाद में जॉब करने वाले अशोक माइन छुट्टी में मुंबई आए, अपने माता पिता को कार गिफ्ट दी। जब वो कार लेकर शोरूम से वापस आ रहे थे, तो एक ऑटो वाले ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इसी पर विवाद हुआ, अशोक माइन ऑटो वाले से झगड़ा करने चले गए, लेकिन तभी ऑटो वाले के 10-15 साथी वहां आ गए। आप तो जानते हैं कि ऑटो वालों का पूरा गैंग होता है, तो उन 10-15 ऑटो वालों ने अशोक माइन की बुरी तरह पिटाई करी। उन्हें बचाने के लिए उनकी माँ, पिता और वाइफ को भी चोट लगी। हमले में अशोक माइन की मौत हो गई, वाइफ का मिसकैरेज हो गया, यानी दो लोगों की जान चली गई। ये सब किस लिए? सिर्फ गाड़ी में लगे एक डेंट की वजह से? मैं ये नहीं कह रही कि अशोक माइन जी की गलती है, या फिर जब गाड़ी में डेंट लगता है तो दुख नहीं होता, लेकिन याद रखिए कि गाड़ी में डेंट से ज़्यादा कीमती आपकी ज़िंदगी है। आजकल तो लोग वैसे भी गुस्से में बैठे रहते हैं, कोई भरोसा नहीं कि कौन क्या करके चला जाए, इसीलिए आपको खुद को ही कंट्रोल में रखना पड़ता है। और ख़ास करके ऑटो वालों और बाइक चलाने वालों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग गुंडे टाइप्स ही होते हैं। और गाड़ी को चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।